पृथ्वी पर वायुमंडल का प्रचंड दबाव होता है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। हवा को भी दबाव होता है और ये पृथ्वी पर प्रचंड दबाव डालता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि पृथ्वी पर वातावरण या वायु का दबाव छोटी बात नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के अंदाज के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल का कुल भार करीब 5.15 × 10⁻¹⁸ केजी का है। इटली के वैज्ञानिक टोरिसेली ने सबसे पहले वायु दबाव की अस्तित्व की खोज की थी। टोरिसेली ग्लास ट्यूब में शून्यावकाश बनाने वाला पहला वैज्ञानिक था। वायु दबाव को मापने के लिए बेरोमीटर का आविष्कार 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। पृथ्वी की सतह पर करीब 6.6 केजी प्रति वर्ग इंच वायु दबाव होता है। यह जमीन की ऊंचाई के अनुसार बदलता रहता है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर वायु दबाव पृथ्वी की सतह का 1/3 है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दबाव कम होता जाता है। सूर्य की गर्मी वायु दबाव को प्रभावित करती है और इसलिए पृथ्वी पर मौसम को भी प्रभावित करती है। हवा के दबाव के आधार पर ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र को हाई प्रेशर क्षेत्र और कम दबाव वाले क्षेत्र को लो प्रेशर क्षेत्र कहा जाता है, और वहीं लो प्रेशर वाले क्षेत्र में अधिक तूफान आते हैं। बेरोमीटर का उपयोग न केवल मौसम के पूर्वानुमान के लिए बल्कि पर्वतीय क्षेत्र या विमान की ऊंचाई को मापने के लिए भी बेरोमीटर का उपयोग होता है। यदि वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।